मॉर्निंग, नमस्कार, आपका सभी का स्वागत है। मैं आज देखूंगा कि आपका माइन्यूट, माइक्रो, नैनो लेवल क्या है। कल और आज लीडरशिप में क्या आपने देखा, कल का मॉर्निंग सेशन, आज का, आप नोट करना। पहला गीत अर्चना बहन गाएंगी और उसको फील करना, अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना, एक्सप्लोर करना, एक्सपेरिमेंट करना, तब जाके हम एंजॉय कर सकते हैं। अगर एक्सप्लोर नहीं करते हैं तो वो नॉलेज वेस्ट जाता है, यूजलेस, फिर सुनो मत। पर ये इसको एक्सप्लोर करना और फील करना अंदर तक कि अंदर फ्लो कर रहा है और जहां प्रॉब्लम है वो ठीक हो रहा है। ओम शांति। रहने दे, ऑन ही रहने। साई तेरी याद महासुखदाई, साई तेरी याद महा सुखदाई, एक तू ही रखवाला जग में, तू ही सदा सुहाई, तू ही सदा साईं तेरी याद महा सुखदाई, साईं तेरी याद महा सुखदाई, मन ही है ये तेरा द्वारा, बैठ यहीं से तुझको पुकारा, प्रेम की ज्योत जलाई, प्रेम की ज्योत जलाई, साईं तेरी याद महा सुखदाई, साईं तेरी याद महा सुखदाई, तुझको भूला जग दुखियारा, सुमिरन बिना मन में अंधियारा, तूने कृपा बरसाई, साईं तेरी याद महा सुखदाई, साईं तेरी याद महा सुखदाई, सांची प्रीति तुम्हारी दाता, इस जग का सब झूठा नाता, हूँ चरणन सरनाई, हूँ चरणन सरनाई, साईं तेरी याद महा सुखदाई, साईं तेरी याद महा सुखदाई, साईं तेरी याद महा सुखदाई।
यहीं बैठ जान, यहीं बैठ। इंडियन ब्रेन कैसे काम करता है? कहा जाता है कि इंडियन ब्रेन बहुत पावरफुल है। एक व्यक्ति अमेरिका से, न्यूयॉर्क से इंडिया आ रहा है। वो बैंक के पास जाता है और $5,000 का लोन लेता है। बैंक कहती है, आप क्या डिपॉजिट गारंटी देंगे, सिक्योरिटी क्या देंगे? उसके पास फेरारी कार थी। उसने कहा, मैं ये फेरारी कार आपको देते जाता हूँ, 2 हफ्ते के बाद आऊँगा, आपका लोन वापस कर दूँगा। 2 हफ्ते के बाद वापस आया, बैंक का लोन $15 बना, तो उसने $5,015 वापस किए। बैंक के मैनेजर ने कहा, आपके पास इतनी एक्सपेंसिव कार फेरारी थी, $2,500 की, $250,000 की, आपने इतना छोटा लोन क्यों लिया? व्यक्ति ने कहा, न्यूयॉर्क में इससे सस्ती पार्किंग कहाँ मिलेगी कि $15 में मैंने 2 वीक में पार्किंग कर दिया, जहाँ हर दिन पार्किंग का $50 कम से कम लगता है एक दिन का। लीडरशिप का मेन खेल है थिंकिंग। थिंकिंग में बी थिंक बिफोर यू थिंक, ये टाइटल मैंने फ्रंट पेज पे दिया है बुक पर, कि सोचो और सोचने के पहले भी सोचो, क्योंकि हर मिस्टेक हमारे शब्दों से होती है। और लीडरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारे शब्द। एक स्टोरी से शुरू करते हैं, काफी पुरानी स्टोरी है पर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। टॉर्टाइस और रैबिट हेयर में कंपटीशन हुआ, खरगोश और कछुए में कंपटीशन हुआ। दोनों ने कहा, कौन रेस जीतेगा? एज यूजल रैबिट आगे भाग गया और जाके पेड़ के नीचे सो गया, कि अभी तो कछुआ बहुत धीरे धीरे आ रहा। कछुआ धीरे धीरे आया और आगे मैच जीत गया। सो रैबिट स्टार्टेड थिंकिंग, स्टार्टेड डूइंग एनालिसिस, व्हाई आई लॉस्ट द मैच। उसने पूरा सोच कर देखा कि मैं लेजी हो गया था, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, और मैंने पहले से विजन नहीं बनाया था। So I lost the match. फिर रैबिट ने कहा, फिर से कॉम्पीट करते हैं। सेकेंड टाइम रैबिट आगे भागा और मैच जीत लिया। फिर कछुए ने सोचा, मैं तो कभी मैच जीत नहीं पाऊंगा अगर ऐसा ही इसी ट्रैक पे भागे तो। उसने अपना ट्रैक बनाया। ट्रैक ये था कि ग्राउंड रेस थी और तालाब था, तालाब के उस किनारे पर फाइनल पॉइंट था। रैबिट और कछुए दोनों चले। रैबिट तालाब के पास आकर रुक गया, क्योंकि फिनिशिंग पॉइंट एंड में था। कछुआ धीरे धीरे आया, तैरता हुआ चला गया और मैच जीत लिया। अब इसका क्या मैसेज है? अब चौथा भी कर लेते हैं, दोनों में दोस्ती हो गई। अब कहा, फिर से भागते हैं।
तालाब तक रैबिट कछुए को बिठा कर लाया और तालाब में कछुआ रैबिट को तैर के ले गया और दोनों ने मैच जीत लिया। अब इसको अगर हम लगाएं, मॉरल ऑफ द स्टोरी लगाएं, तो क्या निकलता है मैसेज? इंडिविजुअली मैं कितना भी स्ट्रांग हूं, मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूं, सुपर स्पेशलिस्ट हूं, टेक्निकली साउंड हूं, पर अगर मेरी टीम अच्छी नहीं है, रिसेप्शन से लेके वार्ड बॉय से लेके नर्स टू आया भाई, मैं मैच जीत नहीं सकता। पोस्ट ऑपरेटिव केयर अच्छी नहीं है, सर्जरी फेल हो जाएगी। इसीलिए टीम का इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे को सहयोग देना वो इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा मैसेज मेन में जो देना चाहता हूं, आज सिचुएशन बदल गई है, लीडरशिप इज चेंजिंग, नाउ द न्यू वर्ड इज कमिंग, सिचुएशनल लीडरशिप। सिचुएशनल लीडरशिप का अर्थ है आप उसको आगे करो जो उस फील्ड का मास्टर है। मैं चाहे कंपनी का, हॉस्पिटल का एमडी हूं, एमएस हूं, पर मैं सब कुछ नहीं जानता, पर जब सिचुएशन आई है, प्रॉब्लम आया है, उस समय मैं उस व्यक्ति को आगे करूं जो उस फील्ड का मास्टर है। दैट इज कॉल्ड सिचुएशनल लीडरशिप। और ये आया वर्ड बॉम्बे ब्लास्ट के बाद, जब टोटल क्योस हो गया, कुछ नहीं सूझ रहा था, तो कॉम्पिटेंट लोग भी आपस में कम्युनिकेशन पुअर था, तो प्रॉब्लम बढ़ गया। सिचुएशनल लीडरशिप का अर्थ है बीच बीच में उस व्यक्ति को भी आगे इम्पावर करो जो आपका टीम का इंपॉर्टेंट मेंबर है। इसीलिए बिल गेट्स से पूछा, 21वीं सदी में कौन जिएगा, 21वीं सदी में कौन जिएगा? तो बिल गेट ने कहा, दोज हू एम्पावर अदर्स, जो दूसरों को शक्तिशाली बनाएगा वही मैच जीतेगा। और ये वो समय है कि हमें अपनी टीम को बनाना है। आपने कल देखा, आज देखा, क्या देखा? कल मैंने निरंजन भाई को यूज किया, ही इज फ्रॉम द किचन, उसके रिसोर्स को यूज करके गाना गवाया। आज वो वर्किंग पे है, तो अर्चना बहन को आगे किया बिकॉज शी इज ए टीचर एंड शी गॉट हॉलीडे टुडे। जस्ट कल वो काम कर रही थी, आज छुट्टी पे, आज छुट्टी है। आपको समय अनुसार रिसोर्स को यूज करना आना चाहिए। कल आपने देखा छोटी बहन ने डांस किया, उसका अंदर भी रिसोर्स जो था मैंने पहले डे, फर्स्ट डे पे देख लिया कि इसमें बहुत टैलेंट है। उसको दूसरे दिन बोला, तू आना, ऊपर जा रही थी, पानी गिरा, भगवान ने पानी गिराया, वो रुक गई, उसने कहा मैं करूंगी। तो समय अनुसार सिचुएशनल लीडरशिप का है कि आपको दूसरे को आगे करना पड़ता है और उसी में विन है। अगर मैं कहूं मैं ही आगे रहूं, हमेशा ही फ्रंट लाइन रहूं, स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा। मैंने कईयों को देखा है 10 फोन लग देते हैं, फोन पे ही देखते देखते पेशेंट को देख रहे हैं, फोन पे ही देखते देखते टेक्नीशियन मेजर कर रहा, गलती होगी ही होगी, मिस्टेक्स होगी ही होगी। 100 में से 90% मिस्टेक मैंने देखा कि उस समय उनका फोकस वहां रहता ही नहीं है, फोन पे बात कर रहे हैं, पेशेंट को स्टेथोस्कोप से देख रहे हैं, पेशेंट क्या मैसेज लेके जाएगा। तो सिचुएशनल लीडरशिप का अर्थ है सक्सेस इज स्किल्स 20%, स्ट्रेटजीज
80%. सक्सेस का मेन हथियार है स्ट्रेटजीज, और स्ट्रेटजीज का अर्थ है आप हर समय नया ड्रीम ऐड करो. गो ऑन एडिंग समथिंग न्यू इन योर ऑर्गेनाइजेशन. हर दिन मैं अपनी लाइफ में कुछ नया ऐड करूं, तब जाके मैं लीडर बनूंगा. मैनेजर क्या होता है, आता है, ठीक है ठीक है ठीक है, बैठ गया, कमरे में आ गया. लीडर क्या है, हर दिन कुछ नया लाता है, नया प्रोडक्ट लाता है. और 21वीं सदी उसी की है जो नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करे. चाहे हम हॉस्पिटल में हैं, प्रोफेशन में हैं, कुछ नया हमेशा देखो. क्लिनिक पर आओ, हॉस्पिटल पर आओ, देखो क्या ऐड कर सकता हूं. व्हाट आई कैन ऐड समथिंग न्यू टुडे इन माय लाइफ, इन माय ऑर्गेनाइजेशन. तब जाके वो स्ट्रेटजीज हमें डेवलप करना पड़ती है, और हर दिन स्ट्रेटजी चेंज होती जाती है. इसका बेस्ट एग्जांपल था, सीईओ था कोको कोला का रॉबर्ट. वो जब आया 1980 में, तो उनका कंपटीशन पेप्सी से था. पेप्सी से ये मैच हार रहे थे. उसने कहा क्या कर रहे हो, तो उसके लोगों ने कहा वी आर कॉम्पिटिंग अगेंस्ट पेप्सी. उसने कहा अभी भूल जाओ. फिर उसने कहा व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एन एवरेज अमेरिकन. एक अमेरिकन कितना लिक्विड लेता है दिन में. उसके मार्केटिंग ने कहा 14 आउंसेस लेता है. हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है कोको कोला का, उन्होंने कहा 2 आउंसेस. फिर उसने कहा कि कंपटीशन इज नॉट विद द पेप्सी, कंपटीशन इज विद द जूसेस 12 आउंसेस. तो उसने 12 आउंसेस के लिए हर जगह मशीन लगा दी, हर बिल्डिंग के नीचे एक नया मशीन लगा दिया. जहां व्यक्ति उतरा उसको कोको कोला की मशीन दिखी, और कोको कोला का सेल बढ़ गया, और उन्होंने कंपटीशन को ओवरकम किया. मैसेज क्या है, मैसेज क्या है, कॉम्पीट अगेंस्ट द सिचुएशन, नॉट अगेंस्ट अदर हॉस्पिटल. अगर मेरा हॉस्पिटल इधर है, दूसरा क्लिनिक या हॉस्पिटल भी खुल जाए, टेंशन नहीं आना चाहिए, खुलने दो. अगर मेरी क्वालिटी अच्छी है, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा है, मेरा वेटिंग पीरियड कम है, तो व्यक्ति मेरे पास आएगा ही आएगा. नेवर कॉम्पीट विथ अदर्स. ज्यादातर लोग मैच हारते हैं बिकॉज दे कॉम्पीट विथ अदर्स. यहाँ किसी से कॉम्पीट नहीं करना है. भगवान ने पहला लेसन क्या सिखाया, आपने क्या सीखा, पहला लेसन क्या था, उषा बहन ने कराया पहला लेसन. पहला लेसन क्या था, फर्स्ट स्पिरिचुअल लेसन कल का, आई एम ए यूनिक सोल, आई एम ए ब्यूटिफुल सोल. मेरा जेनेटिक, मेरा थंबप्रिंट किसी से भी नहीं मिलता. मैं क्या हो गया, आई एम ए यूनिक. सो व्हाई आई शुड कॉम्पीट विथ एनीवन. दूसरे कॉम्पीट करें, मैं ना करूं, और नई नई स्ट्रेटजीज को डेवलप करते जाऊं. सबसे बड़ा फील्ड कमिंग टाइम का होता जा रहा है मेडिकल फील्ड. आने वाले समय में ऑलमोस्ट 280 बिलियन डॉलर्स का मार्केटिंग हो जाएगा, इतना स्कोप है. और इसको कैश करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा. मैनेजमेंट का सबसे बड़ा गुरु पीटर ड्रकर फ्रॉम यूएसए, ही डाइड फ्यू इयर्स बैक. उसने कई थ्योरीज लिखी. इन द एंड ही सेड Nothing will work in the future. No management will work.
only management will work, people want to be managed by themselves. लोग खुद को खुद मैनेज करना चाहते हैं. अब हमें उनको ऑटोनॉमस देना पड़ेगा, उनको एम्पावर करना पड़ेगा, उनको ग्रोथ देना पड़ेगा, तब वो काम करेगा, नहीं तो छोड़ देगा. इन वन ऑफ द सर्वे उन्होंने देखा, लोग कंपनी क्यों छोड़ते हैं, व्हाई पीपल लीव ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों छोड़ते हैं. पहला पॉइंट आया, ड्यू टू देयर इमीडिएट बॉस, जो उनका नेक्स्ट बॉस है, अगर वो ठीक नहीं है तो कंपनी को छोड़ देते हैं. पीपल डोंट लीव ऑर्गेनाइजेशन, दे लीव ड्यू टू देयर नेक्स्ट बॉस. इसलिए नेक्स्ट बॉस को बहुत अच्छा पावरफुल बनना पड़ेगा. लीडर का अर्थ है, ए लीडर इज वन हु इग्नाइट द माइंड एंड टच द हार्ट. लीडर वो है जो माइंड को इग्नाइट करे और हार्ट को टच करे, दोनों चीजें चाहिए, तभी वो व्यक्ति आगे काम करता है. किसी भी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का वर्ड ही है हॉस्पिटलिटी. हॉस्पिटलिटी बेटर मैनेजमेंट एंड बेटर पेशेंट केयर. हाई टेक, हाई टच, दोनों चाहिए. हाई टेक भी चाहिए, हाई टच भी चाहिए. क्योर और केयर दोनों चाहिए. लव और मेडिसिन दोनों चाहिए. दोनों कंबाइन होंगे तभी मिरेकल होते हैं. किसी भी हॉस्पिटल का क्राइटेरिया क्या है, एक हॉस्पिटल को, एक ऑर्गेनाइजेशन को रेटिंग कैसे दे सकते हैं? पहला रेटिंग होता है वहां का रिसेप्शन कैसा है. पहला व्यक्ति आता है वो रिसेप्शन पे आता है. इफ रिसेप्शन इज नॉट रिसेप्टिव, नेगेटिविटी स्टार्ट. रिसेप्शन वाला व्यक्ति बड़ा पॉजिटिव पावरफुल होना चाहिए. दादी जान की हमेशा कहती है, अगर रिसेप्शन वाला बैठा हुआ है मुस्कुरा रहा नहीं है, खाली पर्चे दे रहा है, रूम नंबर 22506 रेडियोलॉजी वहां है, वो रिसेप्शन नेगेटिव हो जाएगा. दादी जानकी ने कहा एक व्यक्ति की ड्यूटी वहां लगा दो जिसका जॉब रहेगा केवल मुस्कुराना. पेशेंट आया, हेलो हाउ आर यू, कैसे हो, वेलकम. हम सभी को भी क्या अच्छा लगता है जब किसी के पास जाएं तो वेलकम नहीं किया तो मुंह ऐसा हो जाता है, और अगर अच्छी तरह वेलकम करें कितना अच्छा लगता है, आइए आइए सर, वी विल टेक केयर ऑफ यू, कितना अच्छा लगता है. सेकंड, वेटिंग पीरियड शुड बी मिनिमम. आज का सबसे बड़ा सीक्रेट है, वेटिंग पीरियड कम से कम करिए. जितना कम वेटिंग पीरियड होगा उतना पेशेंट लोड बढ़ेगा. इसीलिए अभी नया कंसेप्ट आया, डे केयर सेंटर्स. डे केयर सेंटर में मॉर्निंग में आता है, शाम को चला जाता है. एंजियोप्लास्टी कराने आया और चला गया, तो वेटिंग पीरियड कम होना चाहिए. तीसरा, कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, चाहे पेशेंट का, चाहे सबऑर्डिनेट्स का, चाहे रिलेटिव्स का, वेरी क्लियर कम्युनिकेशन. इसीलिए आजकल कई जगह सोशल वर्कर रख रहे हैं, दे कम्युनिकेट. सर्जरी चल रही है, बाईपास चल रहा है, हर आधे घंटे के बाद कह रहे हैं डोंट वरी एवरीथिंग इज गुड, कितना अच्छा लगता है. सबसे ज्यादा स्ट्रेस कब आता है, जब व्यक्ति बैठा हुआ है, रिलेटिव बैठा हुआ है, 3 घंटे का ऑपरेशन है, 5 घंटे का ऑपरेशन है,
वेट कर रहा है कब होगा, वो 5 घंटे में क्या हो रहा है, एंटीसिपेटरी स्ट्रेस क्या होगा। और बीच बीच में अगर उसने कम्युनिकेट किया, कोई बात नहीं, सब चीज ठीक है, मैंने देखा यूएसए के सब हॉस्पिटल में ये कंपलसरी है, हर 2 घंटे के बाद वो लेडी आती है, एवरीथिंग इज गुड, कितना अच्छा लगता है, एड्रिनल रुक जाता है, नहीं तो एड्रिनल निकलता रहता है, क्या होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा। इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, डॉक्टर का भी कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, उसका भी जितना अच्छा होगा पेशेंट हील फास्ट होता है। दूसरे भी क्राइटेरिया हैं, हम उसमें नहीं जाके नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं, पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन भी अच्छा होना चाहिए, उनको भी पार्टिसिपेशन कराना चाहिए, जितना हम उनको पार्टिसिपेट कराएंगे उतना अच्छा होगा। 3 तरह के लोग होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एक जो करते हैं दे बिकम लीडर्स, दूसरा फॉलो करते हैं, जो लीडर ने बोला उसको फॉलो करते हैं, तीसरा एंड ऑफ द डे कहते हैं क्या हुआ आज। हमें थर्ड और सेकंड को फर्स्ट में लाना है, जितना हम इनको यहां लाएंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगा। लाइफ इज अ गेम ऑफ 4 R, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, रूटीन। ये 4 R के बीच लाइफ चलता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है R, रोल। अगर मेरा रोल ठीक है तो मैं रिसोर्सेस का भी अच्छी तरह यूज कर सकता हूँ। मास्लो ने बहुत अच्छा कहा, जिससे मैंने सीखा ये क्वालिटी, दुनिया में जितना भी अनईज, अनहैप्पीनेस, अनरेस्ट है, व्हाई देयर इज अनहैप्पीनेस, अनरेस्ट, अनईज इन द वर्ल्ड, तो मास्लो ने कहा बिकॉज वी आर नॉट एबल टू टैप देयर रिसोर्सेस टू मैक्सिमम। हर व्यक्ति का एक मैक्सिमम रिसोर्सेस होता है, पोटेंशियल होता है, और अगर उसका यूज ठीक से नहीं होता है तो डिप्रेशन आता है, स्ट्रेस आता है। और एक अच्छा लीडर वही है जो उसके साथ काम करने वाले का बटन जानता हो कि इस व्यक्ति का बटन क्या है, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन में लोग आते हैं खाली वो नहीं आता है, अपने सॉफ्टवेयर को भी लेके आता है, उसका सॉफ्टवेयर है TEAM, टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स, मेमोरीज। अगर मैं घर से आ रहा हूँ, मेरी मेमोरी नेगेटिव है और इंटरेक्शन नेगेटिव है तो प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक बड़ी कंपनीज में, वेस्टर्न मॉडल में, मंडे मॉर्निंग को होते हैं। पीपल गेट मोर हार्ट अटैक ऑन मंडे। और ज़्यादातर देखा गया एक्सीडेंट 2 किलोमीटर रेंज पे होते हैं, ऑफिस के या घर के। क्यों होते हैं? मेमोरी खुली, नेगेटिव खुली, तो पूरा व्हील कंट्रोल खत्म हुआ और एक्सीडेंट हुआ। इसीलिए पहली चीज है मैनेजमेंट को इम्प्रूव करें, और मैनेजमेंट का की वर्ड है टी, ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट अच्छा है तो मैनेजमेंट अच्छा होगा। ट्रस्ट ठीक नहीं है, रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो कोई भी मैनेजमेंट काम नहीं करेगा, चाहे सैलरी बढ़ा दो, चाहे पर्स बढ़ा दो, कुछ भी कर दो। पर अगर ये बॉन्ड अच्छा है, इसीलिए एरिस्टोटल ने कहा ट्रस्ट इज द की वर्ड ऑफ 21st century, नॉट टेक्नोलॉजी। ट्रस्ट अच्छा है तो टेक्नोलॉजी काम करेगी, ट्रस्ट ठीक नहीं है तो टेक्नोलॉजी भी काम नहीं करेगी। दोनों चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, ट्रेनिंग भी चाहिए।
पर उस नॉलेज को कैसे यूज करें तो विजडम भी चाहिए. नॉलेज मास्टर, विजडम मास्टर, बोथ आर नीडेड. इसीलिए एक अच्छा लीडर वो होता है जो दोनों का बैलेंस करता है. इंडिया में नमस्ते क्यों करते हैं बताइए? राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन आई एम कंबाइनिंग टुगेदर. लेफ्ट मेल, राइट फीमेल. श्री कृष्ण अर्जुन दोनों को कंबाइन कर रहा हूं. नमस्ते इसलिए करते हैं मैं दिल और दिमाग से आपके साथ हूं. जब हाथ मिलाते हैं 50% आपके साथ हूं. इसीलिए कभी भी लेक्चर देना हो, कभी भी लेक्चर देना हो, स्पीच देना हो, स्पीच में देखा गया, एक ऑथर ने बहुत अच्छी स्टडी की, उसने कहा स्पीच में 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज है, 15% आपके शब्द हैं, 15% आपका वॉइस है, बाकी 60% क्या है? अगर बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी है, पॉजिटिव सोचना चाहिए, पावरफुल सोचना चाहिए, मैसेज क्या जाएगा? अगर मैं दोनों हाथ जेब में डाल के बोल रहा हूं करना चाहिए, इसका मतलब है मैं झूठ बोल रहा हूं. अगर एक हाथ जेब में है 50% झूठ बोल रहा हूं. इसलिए टोटल साइन है अच्छा कम्युनिकेशन का ओपन चेस्ट, ओपन हार्ट. तभी हार्ट यहां है. हार्ट इज ऑन लेफ्ट, हार्ट इज ऑन लेफ्ट बट इट इज ऑलवेज राइट. जब हार्ट की सुनते हैं तो वो राइट ही आता है. इसको कहते हैं चेस्ट लैंग्वेज. आप स्पीकर को पकड़ सकते हो कि वो कैसे बोल रहा है. अगर वो ओपन चेस्ट से बोल रहा है, इज कमिंग आउट फ्रॉम इनसाइड. इसीलिए लीडर का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहता है एक ट्रांसपेरेंट. आज पूरे वर्ल्ड में हल्ला क्यों मच रहा है? लीडर वो है जो रोल मॉडल है. लीडर वो है जो क्लियर है, अंदर बाहर एक है, ट्रांसपेरेंट है. अगर लीडर रोल मॉडल नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो ही लेट आ रहा है 10 बजे हॉस्पिटल में, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उसके लोग टाइम पे आएंगे, चाहे कुछ भी कर लो. अगर वो टाइम पे आएगा तो उसके साथ लोग भी टाइम पे आएंगे. ट्रांसपेरेंट पहला है रोल मॉडल. जितना वो रोल मॉडल होगा लोग उसको ऑटोमेटिक फॉलो करेंगे. कोई उसको बोलना नहीं पड़ेगा, लोग आएंगे ही आएंगे. पहला टाइम पंचुअलिटी मेरी होना चाहिए. एज ए लीडर जब तक मेरी नहीं है तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता दूसरे भी टाइम पे आएंगे. सेकंड कैरेक्टर, सेट योर प्रायोरिटीज. एक अच्छा लीडर वो है जो अपनी प्रायोरिटीज को सेट करता है. आज के दिन मेरी प्रायोरिटीज क्या है? एक बहुत अच्छी स्टोरी है. प्रोफेसर आया क्लासरूम में, उसने एक ग्लास बॉल रखा, उसमें उसने पहले बड़ी बॉल्स डाली, गोल्फ बॉल्स, बड़े पत्थर डाले, फिर छोटे पत्थर डाले, फिर रेत डाल दी. बार बार पूछता गया भर गया? उन्होंने कहा भर गया. छोटे कंकड़ डाले, चले गए हिला के, भर गया? भर गया. फिर उसने रेत डाल दी, फिर बोला भर गया? भर गया. फिर उसने 2 कप चाय के डाले, वो भी चले गए. उसने कहा अगर मैं पहले इसमें रेत डाल देता तो क्या होता? अगर ग्लास बॉल में सैंड डाल देता पूरा तो क्या होता? दूसरा नहीं जा पाता. बड़े बॉल्स क्या है? हमारी प्रायोरिटीज हैं. पहले प्रायोरिटीज को सेट करो. मेजर मिस्टेक मैं यही देखता हूं
हम प्रायोरिटीज को सेट नहीं करते हैं, फिर कहते हैं मेमोरी पावर कम हो रहा है। प्रायोरिटीज को सेट पहले सुबह मॉर्निंग में उठकर करो, आज के दिन मेरी प्रायोरिटीज क्या है। फिर छोटे छोटे कंकड़ क्या है, प्रॉपर्टी, ये वो, सब वो छोटे छोटे कंकड़ हैं। पहली प्रायोरिटी क्या है, प्रॉमिस, रिलेशनशिप, हेल्थ, उसको मैं सेट करूं। मेरी हेल्थ जरूरी है, रोज 45 मिनट वॉक जरूरी है, स्ट्रेचिंग जरूरी है, वो मेरी प्रायोरिटी है। चाहे चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, प्रेसिडेंट बन जाऊं, ओबामा भी भागता है, आपने देखा जॉर्ज बुश भी भागता था, कहां से टाइम निकलता था, वो उसकी प्रायोरिटी थी। हम सोचते हैं टाइम ही नहीं है, मेरे पास भागने का टाइम नहीं है, वॉकिंग का टाइम नहीं है, वो सेट करना ही पड़ेगा, चॉइस ही नहीं है। और हम इंडियंस के लिए जरूरी है, बिकॉज वी आर प्रोन टू गेट सीएडी एंड डायबिटीज मोर फास्टर देन एनीवन इन द वर्ल्ड। अगले 2020 तक इंडिया कैपिटल हो जाएगा, काय का कैपिटल हो जाएगा, सीएडी और डायबिटीज का, इसलिए जरूरी है। बचपन से ही उसको ट्रेन करो कि बच्चा वॉक करना शुरू करे, 10 साल से ही कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन चालू हो जाता है, तब से उसको फिट रहना सिखाइए। ऐसा नहीं उसको खाना दिलाकर ओबेसिटी करा दें, फिर मेजर प्रॉब्लम आ रहा है। सेकंड सेंड, थर्ड सेंड, रेत। रेत यानी क्या, बेकार की बातें, जिसका काम नहीं है उसकी बात इधर, इधर की बात उधर, एक की टांग खींची दूसरे की टांग खींची, वो ना करें। किसी को गिराए नहीं, अगर चढ़ा नहीं सकते तो गिराए नहीं। नहीं तो हम लोग हमेशा एग्जाम्पल देते हैं केकड़े का। इंडिया से केकड़े जा रहे थे अमेरिका, अमेरिका जब पहुंचा तो एक डब्बा खुला हुआ था, वहां के बायर ने कहा अरे अब तो सब केकड़े भाग गए होंगे, इंडियन कमीशन एजेंट ने कहा सर चिंता नहीं करो, एक भाग भी रहा होगा तो दूसरा पकड़ के उसको नीचे कर रहा होगा, सब केकड़े आपके सलामत हैं। तो कभी भी किसी की टांग ना खींचें। सेट योर प्रायोरिटीज का अर्थ है लर्न टू से नो टू स्मॉल थिंग्स, देन यू से यस टू बिग थिंग्स। छोटी छोटी बातों में आपकी जरूरत नहीं है मत जाओ, जहां जरूरत है, बच्चे का बर्थडे है, वाइफ की आज एनिवर्सरी है, हस्बैंड वाइफ की, वहां जरूर जाओ, उसको प्रॉमिस किया उसको पूरा करो, दैट इज माय प्रायोरिटी। बाकी छोटी चीजों को ध्यान ना दो, तब ये मेंटल कैपेसिटी काम करती है। अगर ये फाइलें लोडेड रहेगी तो क्या होगा, मंदिर के बाहर क्यों जूते हटाते हैं, जब मंदिर में आते हैं, आप यहां भी आए हैं, बाहर छोड़ के आए जूते, क्यों छोड़ के आए, हाँ बताइए क्यों छोड़ के आए, ईगो बाहर छोड़ के आए, बाहर इसलिए छोड़ते हैं कि मैं अपनी सब नेगेटिविटी वहां छोड़ के, अपनी पेन ड्राइव खाली करके, डिलीट करके अंदर आ रहा हूं, तब तो भगवान देगा मेरे को, मेरी 8G पेन ड्राइव फुल है और अंदर आ गया, भगवान दे भी रहा होगा तो कहाँ जाएगा, वहीं का वहीं रह जाएगा। मुझे गौतम बुद्धा की कहानी याद आई, गौतम बुद्धा जी एक हर दिन सत्संग कराते थे, राजा परीक्षित रोज आकर बैठता था ड्रेस चेंज करके, रोज कथा सुनता था, कथा के बाद बुद्धा गौतम बुद्धा के पास आता था, महाराज मुझे ज्ञान दीजिए, बुद्धा उसको इग्नोर करके चला जाता था। एक हफ्ता हो गया, राजा ने सोचा इसको मालूम नहीं कि मैं राजा हूँ, उसने राजा की ड्रेस पहन के सामने बैठ गया। उस दिन भी फिर आया, कहता महाराज कुछ ज्ञान दीजिए, उसको इग्नोर किया, बोला मैं यहाँ का राजा हूँ, उसने इग्नोर किया। फिर राजा ने कहा कल चंद्रमा का दिन है, पूर्णिमा है, महल में खीर बनेगी, आप आना। गौतम बुद्धा ने कहा मैं अंदर नहीं आऊँगा, बाहर ही आऊँगा। गौतम बुद्धा ने एक करमंडल लिया, आधा कीचड़ से गोबर से भर दिया,
और गया। महाराज ने कहा अंदर चलिए, बोला मैं अंदर नहीं आऊंगा, खीर इसी में भर दो। महाराज ने करमंडल लिया, देखा आधा तो गोबर है, बोला इसमें खीर कैसे जाएगा। गौतम बुद्धा ने कहा वही आंसर तुझे दे रहा हूं, तेरे को रोज ज्ञान देता था फिर भी तू मेरे पास आता था, यानी तेरे अंदर जा ही नहीं रहा था, इसीलिए 8 GB की पेन ड्राइव डिलीट करो, तब अंदर आएंगे, तब वो भगवान देगा, क्योंकि उसका रिसोर्स हमेशा खुला है। कौन सा कार्य, कौन सा भाई? अच्छा वो जीवन से ना, हाँ खड़े हो जाएं, सब सौंप दो या तो अर्चना, अच्छा चलो ये बजा सब सौंप दो एक सेकंड। अभी हम क्या करेंगे, इस 8 GB को खाली करेंगे। इसको खाली करने का तरीका क्या है, डिलीट तो होता नहीं है, क्या करेंगे, लेट गो करेंगे। लेट गो करेंगे यानी जाने देंगे। किसको देना है, बॉस को देना है। बॉस तैयार है लेने को, वो कह रहा है सब मेरे को दे दो और तुम खाली हो जाओ। अगर तुम मुझे दोगे तो मैं आ जाऊंगा, अगर तुम नहीं दोगे तो मैं रिलैक्स करूंगा, सोऊंगा और तुम टेंशन में भागते रहोगे। हम क्या करते हैं, डिलीट नहीं करते हैं, पकड़ के रखते हैं, नहीं नहीं छोड़ूंगा किसे, तो वो कहता पकड़ के रख। इसीलिए स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस का कारण है कहीं ना कहीं व्यक्ति ने पकड़ा हुआ है, छोड़ नहीं रहा है, अब इसको छोड़ दो। लक्ष्मी को कैसा दिखाया, लक्ष्मी कैसे खड़ी है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। हम क्या करते हैं लक्ष्मी को, सर क्या कर रहे हो, सर क्या कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहा हूं। तो माइंड जीन्स को कहता है तू भी पकड़, तो जीन्स क्या करता है, LDL कोलेस्ट्रॉल पकड़ के कॉरोनरी में डिपॉजिट कर देता है, इसीलिए CAD नंबर 1 किलर है। चलने दो, फ्लो को एंजॉय करो, जो आया है वो जाएगा ही, लेट इट एंजॉय। किसी ने कहा जब आप शरीर छोड़ रहे हो आपका बैंक डिपॉजिट 1 बिलियन है, क्या काम का, आपने बहुत ज्यादा काम किया, वो वहीं रह गया, आप तो चले गए, इसलिए फ्लो को एंजॉय करिए, सब सौंप दो। अब करेंगे सब सौंप दो, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। हे जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है, सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा, सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा, चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। वेरी गुड, रेकी वाले करते हैं ना, रेकी वाले करते हैं ना, नेगेटिव हटाते हैं, वही रोज करना है। एक और गीत बजा देते हैं, एक और पावरफुल गीत है, अभी जरा अच्छी तरह करेंगे। हाँ खड़े हो जाएं।
टाइम क्योंकि हो रहा है, ढीला करें। कर दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर जीवन से ना हार जीने वाले बात मेरी तू मान रे मत वाले है जीवन के दो पर आए धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए जीवन से ना हार जीने वाले बात मेरी तू मान रे मत वाले जिन्ना दिन दिन जिन्ना रा जिन्ना दिन दिन जिन्ना रा साथ रे है ऊपर वाला वही है तेरा अगले 10 मिनट हैं। नेक्स्ट है कनेक्टिविटी। लीडर एक अच्छा है जिसकी कनेक्टिविटी हर एक से है। कनेक्टिविटी का बेस्ट एग्जांपल देता हूं हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड जब कंपनी में आता था लिफ्टमैन से लेके प्यून तक सबसे गुड मॉर्निंग हाथ करता था और उसकी कंपनी ने पहला इंजन बनाया V8 इंजन जिसके कारण फोर्ड कार ने ट्रिलियन डॉलर बिजनेस किया। कनेक्टिविटी का अर्थ है यू आर कनेक्टेड टू एवरीवन फ्रॉम जीरो टू टॉप। मेरा सीक्रेट मैं अपना बताता हूँ, पहला है कनेक्टिविटी। जितना मैं फ़ोन पे कनेक्टेड रहता हूँ, लोगों से कनेक्टेड रहता हूँ, सब काम हो जाता है, कोई काम रुकता नहीं है। कनेक्टिविटी का अर्थ है हर एक को हर दिन हलो कर देना। मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड MBWA। MBWA का अर्थ है मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड। वॉकिंग अराउंड यानी मैं बॉस होकर कुर्सी पे नहीं बैठ जाऊँ, सब मेरे पास आए, मैं खुद होकर सबसे जाऊं हाउ आर यू आज क्या है क्या है, हर डिपार्टमेंट में जाके उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करूं तो टाइम बचेगा। मैं सोचूं मैं बॉस हूं सब मेरे पास आए, आउटडेटेड। इसीलिए खुद जाओ लोगों से बात करो। और सबसे बड़ा हथियार है लीडरशिप का कनेक्टिविटी के साथ ऑब्जर्वेशन।
आपका ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा है, जितना आपका माइक्रो ऑब्जर्वेशन है उतना आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे याद आ रहा, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में पहला एक टेक्नीशियन मेरे पास आया, उसके पास सब लोग बड़ी खुशी से आते थे, वो चला गया अपने घर तो दूसरा आया, कोई उसके पास जाता नहीं था, लोगों ने कहा मजा नहीं आ रहा है। वो क्या करता था, एक्सरे रिपोर्ट यूं दे देता था, लीजिए आपकी रिपोर्ट। वो पहला वाला क्या करता था, पहला वाला रिपोर्ट के बाहर पेपर पे लिखता था हैव ए नाइस डे, जल्दी ठीक होना, लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। उसने वही लीडरशिप का अर्थ है, जो काम मैं कर रहा हूँ चाहे छोटा है पर उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ, चाहे मेरा झाड़ू लगाने का ही काम है पर उसको अच्छी तरह कर रहा हूँ, नहीं तो बाई आती हैं सब। अब वही बाई अच्छी कर रही है तो आगे बढ़ जाती है, अब उससे झगड़ा करो कोई फायदा नहीं। जो काम करें वो क्वालिटी से करें, फोकस से करें, प्रेजेंट ऑफ माइंड से करें तो वो इम्प्रूव हो जाता है। कनेक्टिविटी का एक सिंपल एग्जाम्पल है, बीरबल जा रहा था राजा फारस के पास। राजा फारस ने सोचा बीरबल बहुत इंटेलिजेंट है, उसने अपने कोर्ट में सब 8 चेयर लगा दी एसी के एसी और सबको एक ड्रेस पहना दी, एक मुकुट, सबका मेकअप एक जैसा दिख रहा था। 8 के 8 लोग लग रहे थे कि ये सब राजा हैं। फारस के राजा ने सोचा बीरबल कंफ्यूज हो जाएगा। बीरबल सीधा आया, रियल किंग के पास पहुंच गया। किंग ने पूछा तूने मेरे को कैसे पहचान लिया कि मैं रियल राजा हूं, बताइए। कैसे पहचान लिया? और हाँ, सब राजा की तरफ देख रहे थे और राजा सबकी तरफ देख रहा था। भगवान भी क्या कर रहा है, सबकी तरफ देख रहा है, हम सब उसको देख रहे हैं, इसलिए वो किंग है। कनेक्टिविटी का अर्थ है हर दिन जिससे मिलते हो कुछ ना कुछ उसको गिफ्ट दो, और सबसे अच्छी गिफ्ट है ना पैसे की ना किसी की, मुस्कुराहट दे दो। भाई भी आए, आया भाई भी आए, पूछो सब ठीक है, पेशेंट से भी पूछो सब ठीक है, घर में पहला वो पूछो सब ठीक है। दादी भी क्या करती थी, ये मैंने सीखा हमारी बड़ी दादी से, बड़ी दादी पहला चीज पूछती थी सब लोग ठीक हो, सबको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। हम लोगों को इतना अच्छा लगता था कि इतनी बड़ी लीडर हमसे पूछ रही है, तो कनेक्टेड हो गए, और कनेक्टेड हो गए तो जो काम बोले वो ऑटोमेटिक हो जाता है, वो मना नहीं करेगा। कनेक्टिविटी की फैक्टर है लीडरशिप का, अगर ये आ गया तो आपके काम आसान हो जाते हैं। क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, होल डे का है, मैं बहुत डिटेल नहीं जा पाऊंगा। ये 4 स्किल्स लीडरशिप की रहती है। पहला है टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल, कंसेप्चुअल स्किल और नेटवर्किंग। जब हम टॉप लेवल पे आ जाते हैं तो तब हमें नेटवर्किंग लगता है। नेटवर्किंग यानी अब मैं ऑर्गेनाइजेशन को आगे कैसे ले जाऊं। ये एक मॉडल है लीडरशिप का। पहला कैरेक्टर है लिसनिंग। एक अच्छा लीडर है जो लिसन करता है, अवेलेबल रहता है, टॉलरेंस उसका अच्छा रहता है। ये पूरा 2 घंटे का लेक्चर है, एक ये मॉडल है, बुक में है, उसमें से आप ले सकते हैं। एंड में आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के लिए
लिसनिंग और कम्युनिकेशन बहुत बड़े हथियार हैं। जितना आप सुनेंगे उतना स्ट्रेस कम होगा। एक्टिव लिसनिंग, हमेशा लेफ्ट ईयर से सुनो। लेफ्ट ईयर हार्ट के नज़दीक है, जल्दी जाएगा और प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। ये टोटल चार्ट है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्राइटेरिया इस चार्ट से देख सकते हैं। लास्ट में मैं कहूँगा, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। हमारे प्रॉब्लम भी परमानेंट नहीं है, वो भी आएंगे और जाएंगे। अब एंड करता हूँ लॉफिंग थेरेपी से, मैं देखूँगा कौन हंस सकता है। फिर अपन एक सॉन्ग प्ले करेंगे और उसके बाद मेडिटेशन में बैठ जाना और फील करना। एक लेडी और हस्बैंड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, कब्र पर जाते हैं फूल चढ़ाने। देखते हैं दूर एक कब्र पर लेडी पंखा कर रही है कब्र के ऊपर। हस्बैंड वाइफ को लगता है वाइफ कितनी अच्छी है, हस्बैंड के मरने के बाद भी पंखा कर रही है। फूल चढ़ा के उसके पास जाते हैं, कहते हैं यू शुड बी रियली लविंग योर हस्बैंड। बोला उसने जाने के पहले कहा था, जब तक मेरी कब्र गीली रहेगी शादी नहीं करना, मैं पंखा जलकर उसको सिखा रही हूँ जल्दी हो जाए। प्यार का नगमा, खड़े हो जाएं। इसके बाद बैठ जाना और मेडिटेशन का एक सॉन्ग अर्चना बहन गाएगी, उसको फील करना। ये सॉन्ग सूफी माइथोलॉजी का है, खो जाना है, डिटैच हो जाना है और उस प्यार को अंदर लेना है। पूरा लव का सॉन्ग है, परमात्मा के लव को मैं अंदर ले रहा हूँ। स्लो मूवमेंट में करना है, हमारे सब चक्र वाइब्रेट करें। डीएनए एक्टिवेट हो जाए, फिगर ऑफ एट।
फील करना चालू, सांस को लेकर चेतना शक्ति को फ्लो करने देना और अनुभव करना पूरा शरीर स्वस्थ है, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर सब ठीक है। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, शतकर्म की राह पर हम चले, सारे जहां की भलाई करे, हम ना किसी की बुराई करे, इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम, इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम, आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, हर पल तुम्हारा अगर साथ है फिर हम क्या बात है, कठिनाइयों से नहारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम, अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम, अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम, आशा हमें विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कई रूप है, हर शय में तुम हो समाए हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए, हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम, हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम, आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। थैंक यू वेरी मच, आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स, लाइट साउंड सबको बहुत बहुत थैंक्स, आप आगे बढ़ते जाएं और एक अच्छे लीडर बनकर कंट्री को वर्ल्ड को लीड करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। लास्ट कोटेशन बुक से पढ़ के ख़त्म करता हूँ, यू आर द अनकंडीशन स्पिरिट ट्रैप्ड इन कंडीशन एज सन इन एक्लिप्स। हम सब अनकंडीशन है पर हम अपनी कंडीशन खुद बनाकर उसमें फंस जाते हैं, मेडिटेशन का अर्थ ही है उन कंडीशन को डीकंडीशन कर देना। थैंक यू वेरी मच।